हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको IPv6 हेडर के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, IPv6 एड्रेसेस को देखकर यदि हम ऐसा सोच रहे हैं कि IPv6 हेडर बहुत ही बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। IPv6 के डिज़ाइनर्स ने IPv6 हेडर को इस तरह डिज़ाइन किया है ताकि इसमें कम से कम फील्ड हों जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करें। IPv6 हेडर में 8 फील्ड्स होती हैं, इसकी साइज 40 बाइट्स होती है। IPv6 हेडर का डायग्राम हम यहाँ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक IPv6 हेडर का डायग्राम है। ये एक बहुत ही सिंपल हेडर है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस डायग्राम की सभी फील्ड्स के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट वर्जन, इस फील्ड की वैल्यूज 6 होती हैं। ये फील्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन्स को डिफाइन करता है। इस फील्ड की साइज 4 बिट्स होती है। नेक्स्ट क्लास, ये फील्ड ट्रैफिक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसकी साइज 8 बिट्स होती है। ये फील्ड IPv4 हेडर के टाइप ऑफ सर्विस फील्ड जैसा ही होता है। नेक्स्ट फ्लो लेवल, इस फील्ड की साइज 24 बिट्स होती है। ये फील्ड पैकेट और ट्रैफिक फ्लो को मार्क करने के लिए यूज किया जाता है। ये फील्ड बताता है कि पैकेट्स किस सीक्वेंस में सोर्स से डेस्टिनेशन तक फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पेलोड लेंथ, ये फील्ड डाटा की साइज को स्टोर करता है। इस फील्ड की साइज फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट हेडर, ये फील्ड बताता है कि नेक्स्ट हेडर कौन सी होगी। IPv4 में ये फ्यूचर अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट हॉप लिमिट, ये फील्ड बताता है कि डिस्ट्रॉय होने से पहले मैक्सिमम कितने हॉप्स IPv6 पैकेट्स ट्रेवर्स करेंगे। नेक्स्ट सोर्स एड्रेस, इस फील्ड में सोर्स होस्ट का 128 बिट का IPv6 एड्रेस डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन एड्रेस, इस फील्ड में डेस्टिनेशन होस्ट का 128 बिट IPv6 एड्रेस स्टोर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था IPv6 हेडर के बारे में। हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रिसेंटली अपडेट मिलता रहे।